अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, व्यूअर्स इस वक्त मैं मौजूद हूँ कक्का विलेज की जेटी की पॉइंट पे। आज 18 फरवरी 2023 बरोज़ हफ्ता। अब व्यूअर्स, जेटी की सूरत हाल कुछ इस तरीके से थी कि वाइट कुंद का एक आधा दाना, लेकिन बहुत बड़े साइज़ का, तकरीबन 10 से 11 किलो के करीब तक के साइज़ का दाना था। इसके अलावा इक्का दुक्का छोटी मछली की छोटी बोटलाट जो है वो नज़र आई, लेकिन इसके अलावा जो मैक्सिमम तादाद थी वो जेली फिश, मैया फिश और इसके अलावा जो शीशी मैया वगैरह है उनका शिकार करके लाया जा रहा है। ये ज़्यादातर एक्सपोर्ट की जाती है, काफ़ी कम कीमत में बिकने वाली मछली है, लेकिन इस वक्त जो इसके शिकार की रिपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो माहीगीरों को जिसमें कंफर्म शिकार की अपडेट हो तो वो उसी के शिकार के लिए निकलते हैं, और ज़्यादातर कश्तियाँ जेली फिश से भर के ला रहे हैं जिनसे इनकी अच्छी खासी या दिहाड़ी बन जाती है। तो इस वक्त जो जेटीज़ वगैरह पे है वो जेली फिश का जो शिकार किया जा रहा है, जिसको प्रोसेस करने के बाद एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना वगैरह, जहाँ पे ज़्यादातर इनको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये आशीशी मैया के साथ साथ एक ढिमरी मैया का भी दाना इसके अंदर मौजूद है। ये भी काफ़ी महंगे दामों फरोख्त होने वाली मछली है। तो माहिगीर जो है जिस काम में उनको प्रॉफिट नज़र आ रहा हो तो उसके शिकार पे ज़्यादा जोर देते हैं। तो इस वक्त जेटी की तकरीबन जो ट्रेंड चल रहा है वो जेली फिश के शिकार का चल रहा है, और बाकी मछलियों के शिकार पे नहीं जा रहे। जो यहाँ से मछली खरीदने के या यहाँ आने का जो शौक़ रखते हैं या आने का जिन्होंने इरादा बनाया हुआ है, तो उनको अपडेट करता चलूँ कि यहाँ पे फिल फोर जो है मछली मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक कम है। इसके अलावा व्यूअर्स, ये एक मैया का दाना है, इसके अंदर एक आपको ये काला पानी नज़र आएगा जो इसको अपने हथियार के तौर पे इस्तेमाल करता है, और ये इसके अंदर मौजूद होता है। जब बड़ी मछलियाँ इस पर हमलावर होती हैं पानी के अंदर, तो ये पानी के अंदर ये अपनी काली स्याही छोड़ देता है, और इस स्याही छोड़ने की वजह से पूरा पानी जो है वो काला हो जाता है, और उसके बाद इसको भागने का मौका मैसर आ जाता है। तो ये अपने हथियार के तौर पे इसको इस्तेमाल करता है, पानी काला करके और वहाँ से फरार होने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि यह छोटी सी अपडेट की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।